हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है। द रेशियो ऑफ दिस इंटीजर्स हमें गिवन है, तो फाइंड द इंटीजर्स क्या होंगे। बहुत ईजी सवाल है, ये सब छोटे छोटे बच्चे भी कर देंगे इसको। तो मान लो दो इंटीजर्स, यहाँ पर रेशियो तो दे ही दिया है, तो लेट द टू इंटीजर्स आर, दो इंटीजर को यहाँ पर रेशियो में गिवन है ना, लेट द टू इंटीजर्स कितना मान लो, इसको 2x मान लो, दूसरा का 5x मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन है, द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स कितना गिवन है। इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कितना है इज 30। तो सिंपल से इक्वेशन क्या बनेगा, दो इंटीजर्स हमें पता है 2x है 5x, तो बड़ा कौन है सबसे, ये बात समझना जरूरी है। 5x बड़ा है, ये 2x से छोटा ही होगा, तो 5x हमें से लेकिन डिफरेंस बोला ना, तो 5x माइनस 2x जो होगा वो होगा आपका कितना, 30। बस ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, बस इसको आप सॉल्व कर दो, हो गया आंसर, करो सॉल्व। 5x माइनस 2x कितना होता है बच्चों, 3x। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 30, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकली 10। तो x की वैल्यू 10 निकली, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स तब क्या हो गए, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या बन जाएगा, एक होगा बच्चों 2x है ना, क्या था 2x कॉमा 5x था, वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना, मतलब x कितना है 10 है ना, तो 10, तो यहाँ आपका बन गया 20 कॉमा कॉमा यहाँ पर दो 5 × 10, तो यहाँ आपका हो गया 50। ओके, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या निकले, 20 एंड 50, ये हो गया आंसर। इजी था कि नहीं बताओ, बहुत ईजी था, आप बोलोगे सर बहुत ईजी था, अब तक जितने क्वेश्चन करके आए हैं उससे तो बहुत ईजी था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, देखो क्या है सवाल यहाँ पर, द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 105, द इंटीजर्स आर इन द रेशियो, वही सेम क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर दिखा वहाँ पर डिफरेंस दिया था, यहाँ पर सम बोला है, क्या है इस सवाल में झंड, मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक क्या उसको बोलते हैं मुझे पता नहीं, इजी सवालों को कुछ बोला जाता है, बहुत ईजी होते हैं। देखो द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट मान लो पहले, लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 2x, 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है, इज 105। सम कर दो 2x + 3x कितना हो जाएगा, 105। सॉल्व करो तो 5x = 105, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 21। ठीक है, x की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 21। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तब फाइंड द इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या थे, तो द इंटीजर्स आर एक एक्स, एक 2x था, दूसरा 3x था ना, हाँ चलो, तो फिर 2 × x तो कितना होगा, 2 × 21, तो ये हो गया आपका 42, और ये कितना हो जाएगा, 3 × x कितना कर दो 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 363 होगा। तो दो इंटीजर्स क्या निकले बच्चों, 42 और 163। ओके चलो, तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15-16 हमारे यहाँ पर ख़त्म। ओके, तो और एक क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, 17 नंबर। ओके,
देखो इस तरह क्वेश्चन बच्चा आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको करेंगे। ओके देखो बहुत तेज़ी सवाल होते हैं, तो इसको करने का जो मेथड है तो वो मेरा मेथड है, अखिल सर मेथड आप बोल सकते हैं इसको। इस मेथड को मैंने अपना नाम दे दिया है। तो पहले रफली करेंगे, उसके बाद आपका स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे 70 नंबर को। ओके तो 70 नंबर थ्रू हम रफली करेंगे पहले। देखो तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया था क्लास 7th में, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये मनी बॉक्स कंटेंट्स 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। एक मनी बॉक्स के अंदर 1 रुपये के कॉइन है और 2 रुपये के कॉइन है। तो 1 रुपये के कॉइन बच्चों कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं देखिए नहीं, ये 1 रुपये के कॉइन, इसमें कुछ डिजाइन विजाइन होता है। छोड़ो 1 रुपये के कॉइन और कौन से कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रुपये कॉइन है, ओके 2 रुपीज़ से कॉइन है। तो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाता हूँ बच्चों, समझो इस चीज़ को। मान लो बच्चों आपके पास मान लो 5 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये कॉइन ऐसा कुछ होता है। अगर मान लो ये 5 रुपये की ही कॉइन, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉइन, मान लो आपके पास 2 रुपये, 2 है, मतलब 5 रुपये की कॉइन आपके पास 2 ठो है, तो कितने वैल्यू हो गए इसके पास, वैल्यू तब कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 10 रुपये हो गया, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपके पास 2 रुपये के कॉइन है, अगर नंबर ऑफ कॉइन, ये 2 रुपये टाइप्स ऑफ कॉइन, आप यहाँ पे हेडिंग दो टाइप ऑफ कॉइन, कौन से तरह के कॉइन है, कॉइन है या फिर नोट्स भी हम लेंगे उसके अंदर। 2 रुपये कॉइन मान लो आपके पास अगर कितना 10 ठो होता, 10 होता, नंबर ऑफ कॉइन आपके पास 10 आपका होता, तो 2 रुपये 2 रुपये ऐसा करके 10 ठो होता, तो कितने पैसा होता, कितने वैल्यू होते उसके। तो अब बोलोगे सर 20 रुपीज़ होता, 2 रुपये 2 रुपये। तो ये जो 10 आया इसको समझते हैं, 10 ये जो 10 है वो आया कैसे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 5 × 2 आपने किया, मतलब 5 रुपये का कॉइन था, 2 बार है, इसलिए 5 × 2। तो हम क्या सर टाइप्स ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ कॉइन, तभी आपका वैल्यू निकलेगा। अच्छा यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ, टाइप ऑफ कॉइन क्या था, 2 रुपये कॉइन था, कितने बार है, नंबर ऑफ कॉइन कितना 10 बार है, तो उसका 10 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर हो गया आपका ₹20। तो ऐसे ही होता है। ओके अच्छा और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ नोट्स को ले आते हैं। 10 रुपये का नोट तो बच्चों आपने देखा ही होगा, 10 रुपये कैसे बीच में लिखा होता है, बीच में फिर कहीं भी लिखा है, मान लो ये 10 रुपये का नोट है, हो ठीक है। 10 रुपये का नोट मान लो आपके पास 3, यहाँ पर इसको नोट्स कर दो, यहाँ पर 10 रुपये का नोट आपके पास मान लो 3 है, तो कितने वैल्यूज होंगे बच्चों, 10 × 3, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 10 × तो वैल्यू कितना हो गया आपके पास, तब 30 रुपये है। मान लो 10 रुपये के नोट आपके पास, 10 रुपये के नोट आपके पास 10 ठो है, तो 100 रुपये है आपके पास है, कितने रुपये हैं 100 रुपये, मतलब 10 × 10 हो गया, तो 100 रुपये आपके पास है। ओके अच्छा मान लो 100 रुपये का नोट है आपके पास, 100 रुपये नोट तो आप देखे ही होंगे, 100 रुपये का नोट मान लो आपके पास 2 ठो है, मतलब 2 बार है, 100 रुपये 100 रुपये 2 ठो नोट है आपके पास, नंबर ऑफ नोट्स 2 है, तो कितने वैल्यू होंगे, 200 रुपये हो जाएगा। तो 100 × 2 तो कितने रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ताकि समझने में, ताकि अब जो समझाऊंगा ना आपको समझ में आए। बट बच्चा हमारे सवाल में देखो क्या है, एक मनी बॉक्स के अंदर 1 रुपी का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दो टाइप्स ऑफ कॉइन, टाइप्स ऑफ कॉइन, ये टाइप्स ऑफ कॉइन है, और यहाँ पर बच्चों हम हेडिंग देते हैं नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हेडिंग दे दो वैल्यूज। बच्चों इस तरह से आप एग्जाम में मत करना, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम करके बता रहा हूँ, मतलब इसको टेबल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो 1 रुपये के कॉइन समझना ध्यान से, 1 रुपये के कॉइन और 2 रुपये के कॉइन है। तो यहाँ बोला है कि एक बॉक्स में जो 1 रुपये के और 2 रुपये के जो कॉइन है वो रेशो में है। एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 16 हो गया ना, इसको दोहरे के ना 18, चलो कोई बात नहीं, रेशो में है। चलो एक मिनट इसको ठीक से रख दो। हाँ तो यहाँ पर सवाल बच्चों क्या किया मैंने कि 1 रुपये के जो कॉइन है, 1 रुपये के जो कॉइन है वो किस में है, 1 रुपये के जो कॉइन है वो आपके, एक मिनट, हाँ 1 रुपये के जो कॉइन है उसका रेशियो हमें गिवन है, 1 रुपये का 2 रुपये का है ना, हाँ 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन जो मनी बॉक्स में है वो कंटेंट्स कितने हैं, कितने नंबर अब 5:6 है, तो हम रेशियो को एक्स मानते हैं। तो मान लो लेट लो कि 1 रुपये का जो कॉइन है मान लो 5x है, और 2 रुपये का जो कॉइन है मान लो कितने हैं 6x है, ये रेशियो गिवन है 5:6, ठीक है। एक मनी बॉक्स में 1 रुपये का और 2 रुपये के कॉइन है, कितने रेशियो में 5:6 है, ये नंबर ऑफ कॉइन के बारे में ही बोल रहेगा। तो अगर 1 रुपये के कॉइन आपके पास अगर 5x टाइम्स है, मतलब 5x टाइम्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो वैल्यू कितना हो गया 5x मल्टीप्लाई विथ 1 दैट इज़ 5x, तो 5 से 5x हो गया वैल्यू आपका, क्लियर। और 2 रुपये के कॉइन आपके पास अगर 6x है
तो कितने वैल्यूज हो जाएंगे, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 6, जैसे हमने उधर मल्टीप्लाई किया था, पीछे पीछे हमने क्या मल्टीप्लाई यहाँ पर किया था, 5 रुपये कॉइन 2 बार है तो 5 × 2 = 10 हो गया, 100 रुपये कॉइन अगर आपके 2 ठो है तो 10 × 100 × 2, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा। तो वही सेम केस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये कॉइन 5x है तो वैल्यू हो गया 5x, 2 रुपये कॉइन आपके पास 6x है तो वैल्यू कितना हो गया, इसको सॉल्व करो, 6 × 6 जो 2 × 6x कितना होगा, 12x। तो बच्चों ये जो 5x जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो 5x है, ये 1 रुपये कॉइन जितनी थी उसकी वैल्यू, 1 रुपये कॉइन की वैल्यू है, मैंने आपके पास कितने रुपये कितने कॉइन थी, 5x कॉइन थी, तो वैल्यू इतनी हो गई, ये आपका 2 रुपये कॉइन की वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल पैसा हमें यहाँ पे गिवन है कि टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन कितना है मनी बॉक्स के अंदर, 85 रुपीज़ है। तो सिंपल सी कहानी है कि 5x ये क्या है, 1 रुपये कॉइन की वैल्यू प्लस 12x 2 रुपये कॉइन की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने से हमारा टोटल पैसा यहाँ पे 85 के इक्वल नहीं हो गया, क्या ये 85 रुपीज़ 85 के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि 85 रुपीज़ जो है वो इस दोनों के फॉर्म में है, 2 रुपये कॉइन और 1 रुपये कॉइन और 2 रुपये कॉइन के फॉर्म में है। तो 1 रुपये कॉइन की वैल्यू होगी 5x, 2 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू होगी 12x, तो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये 85 रुपीज़ 85 जो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन इसके बराबर होगा कि नहीं, इन दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन ये है कि नहीं, 5x प्लस 12x क्या है बच्चों, ये टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन, तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन हमें पता है 85, तो इसलिए हम इसके साथ हमने क्या किया इसको, ये दोनों बराबर है, ये जो है बच्चों 85 रुपीज़ क्या है, दोनों सेम है, इसलिए ये आपका इक्वेशन बना 5x प्लस 12x इक्वल टू 85। ओके समझ में आ गया। अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखें, चलो अब स्टेटमेंट में समझते हैं इसको। तो पहले आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पर लेट सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कॉइन्स को आप इसको मान लो, अच्छा पहले 1 रुपी मान लेते हैं क्योंकि 1 रुपी पहले दिया है ना, इसको पहले 1 रुपी का कर लो, लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इसको आप कितना मान लो, 5x ना, हाँ 5x है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन को आप मान लो कितना, 6x, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द मनी बॉक्स इज 85 रुपीज़, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसका वैल्यू तो निकाल लो। अगर 1 रुपी कॉइन अगर आपके पास 5x है तो वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन कितनी हो जाएगी, 5x मल्टीप्लाई विथ 1 दैट इज 5x, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन टू मल्टीप्लाई विथ 5x, सॉरी कितना, 6x था ना, हाँ तो कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यूज हमें गिवन है, टोटल वैल्यूज ऑफ कॉइन्स कितनी गिवन है, 85 रुपीज़। तो यहाँ पर इक्वेशन बना, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना है, 1 रुपये कॉइन कितनी है, 5x है, तो 5x प्लस 12x टोटल वैल्यू, तो कॉइन आप चाहो तो यहाँ पे और स्टेटमेंट लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन प्लस ऐसे लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन प्लस वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल टू 85, आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद उसके नीचे इसको वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन के 5x और वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना, 12x इक्वल टू 85, ऐसा लिखो नहीं तो ये आपका हो गया 17x इक्वल टू 85। तो x की वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, 85 डिवाइड बाई 17, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 5, तो 5 तो हो गए यहाँ पर। अब हमें क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे, क्या पूछा है हमें, देखो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, तो 2 रुपी वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़, मतलब ये वैल्यू है, नंबर कहाँ है, ये रहा नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितना, 6x है। अब यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन के बारे में पूछा है ना, तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन
कहाँ है देखो, नंबर ऑफ टू रूपीज कौन, सिक्स एक्स था ना, इक्वल टू सिक्स एक्स था। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करो, सिक्स मल्टीप्लाई विथ फाइव, तो यहाँ पर आंसर हो गया बच्चों 30। कितनी कौन से, दो रुपये कौन से बच्चों कितनी है, 30 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 वर्कशीट 2 का लास्ट क्वेश्चन, बस उसके बाद खत्म हमारा। ओके उसके बाद हम ब्रेन टीचर स्टार्ट करेंगे।